नमस्कार प्यारे मित्रों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके ही चैनल में। और आज मैं आपके सामने लेके आया हूँ तकनीकी सुझाव कार्यक्रम का भाग 6 यानी कि एपिसोड 6। इस एपिसोड में अपन जानेंगे कि सोलर सिस्टम और आटा चक्की के लिए रिक्वायरमेंट क्या क्या है आपको, यानी कि आपको अगर सोलर चक्की चलानी है, आपके आटा चक्की है उसको सोलर से कनेक्ट करना है, तो आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, कितने सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे और कितना खर्चा होगा और कितने वाट का कितना एचपी, वो सब कुछ इसमें कन्वर्टर कैसे करते हैं, वो सब कुछ इस वीडियो में जानेंगे। तो इस वीडियो को आपको पूरा का पूरा देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को अधूरा छोड़ देते तो आपको 1% भी समझ में आने वाला नहीं है। तो इस वीडियो को पूरा देखिए। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन जानेंगे कि आपके घर पे जो आटा चक्की लगी हुई है या फिर आप आटा चक्की लगाने वाले हैं या फिर कोई भी आपका मोटर पंप है या फिर जो आपके घर का लोड है, उन सभी को आपको ऑपरेट करना है सोलर के साथ, तो उनका लोड कितना होता है, यानी कि आपके घर पे कितने एचपी की यहाँ पर आटा चक्की लगी हुई है, तो आपको कितने सोलर पैनल लगाने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अपन जानेंगे कि अगर मेरे घर की, अगर मैं एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूँ, अगर मेरे घर पे यानी कि 3 HP की मोटर लगी हुई है आटा चक्की के साथ, तो इस 3 HP को आपको वाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा सबसे पहले। क्यों ऐसे क्यों करना होता है? ऐसा इसलिए करना पड़ता है कि जो सोलर सिस्टम लगने वाला है, जो आपके सोलर पैनल लगने वाला है, वो हमेशा HP में नहीं लगता है, वो हमेशा वाट में लगाया जाता है, WHP। ठीक है, तो कितने वाट का आपको वहां पर लगाना पड़ेगा। अब इसके बात करते हैं अपन कि जो HP है उसको वाट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए देखते हैं इस तरफ, थोड़ा सा आप इस तरफ नजर डालिए कि कैसे आपको कन्वर्ट करना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको गूगल ओपन कीजिए। जैसा कि मैंने सबसे पहले ही बताया आपको कि कुछ भी आपको समझ में नहीं आए तो आपको गूगल देवता समझाते हैं, तो यहाँ पर भी आपको ऐसा ही करना है। गूगल ओपन कीजिए। गूगल ओपन करने के बाद जस्ट आप वहां पर लिख दीजिए कि 1 HP इक्वल टू हॉर्स पावर, यानी कि 1 HP हॉर्स पावर हो गया इक्वल टू आपको कितना वॉट चाहिए, तो वॉट लिख दीजिए। आपको कुछ भी समझ में नहीं आया तो आप गूगल देवता से पूछ सकते हैं। तो यहां पर मैंने लिख दिया 3 HP, यानी कि 3 HP का मेरे को लोड निकालना है। ठीक है, तो 3 HP इक्वल टू वॉट। ठीक है, तो खट से मेरा ये रिजल्ट आ चुका है। तो इस गणना के हिसाब से तो आपको 2237 वॉट का आपको सोलर पैनल लगाना पड़ेगा 3 HP मोटर चलाने के लिए। अब बात करते हैं 2237 वाट के लिए कितने सोलर पैनल लगेंगे आपके। तो एक पैनल अगर 250 वाट का लगाएं अपन, ठीक है, तो आपको यानी कि 2200 के लिए यहाँ पर कुछ लोड की भी जरूरत पड़ेगी आपको। और अब आगे मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको यहाँ पर सोलर सिस्टम दो तरह के लगेंगे। ठीक है, तो लोड के लिए भी आपको कुछ वहां पर वोल्टेज की जरूरत पड़ेगी वाट की, तो यहाँ पर आपको 3 KV का सोलर वाट लेना पड़ेगा। यानी कि मोटा मोटा आपको ये समझ में आ गया होगा कि 3 HP के लिए आपको 3 KV का सोलर यहाँ पर लगाना पड़ेगा। अब बात करते हैं अपन कि दो तरह के सोलर आपके यहाँ पर लगेगा। तो एक सोलर लगेगा कि आपके घर पे पहले से अगर बिजली सुविधा है, यानी कि पहले से आपको RSEB जो ग्रिड यूटिलिटी है वहां से आपको बिजली की सुविधा उपलब्ध होती है, लेकिन वहां पर आपका मीटर लगा हुआ है और मीटर में आपका यूनिट आ रहे हैं, तो आपको जो ये जो सिस्टम बताने वाला हूं उससे आपको जो सोलर सिस्टम है उससे ऊर्जा उत्पन्न होगी और आपके घर में जो हो जाएगा काम, और जो बचेगा वो भी फिर RSEB ग्रिड यूटिलिटी में चली जाएगी। तो इस ग्रिड यूटिलिटी को नाम देते हैं अपन कि ऑन ग्रिड सिस्टम। तो ऑन ग्रिड सिस्टम अगर आप लगाना चाहते हैं, इसमें खर्चा आपका कम आता है और इसमें यह होता है कि जो आपका सोलर पैनल लगे हुए हैं वहां से आपका बिजली उत्पन्न होती है DC में, और वहां पर इन्वर्टर कन्वर्टर लगा होता है, वहां से AC में हो जाती है, फिर आप वहां से आटा चक्की में ज्वाइन कर लीजिए। और आटा चक्की में ज्वाइन करने के बाद अगर आप वहां पर 5 घंटे जैसे आटा चक्की चला रहे, ठीक है, तो आटा चक्की चलाने के बाद आपका जितना भी जो बिजली बचता है वो सीधा मीटर के अंदर होकर आपको RSEB जो ग्रिड यूटिलिटी है वहां पर आपको सप्लाई होने लगती है। यानी कि अब आपको ये समझ में आया होगा यहाँ पर कि आप पहले तो RSEB जो ग्रिड यूटिलिटी है, जो खंबे लगे हुए हैं वहां से बिजली के तार लेके आप खुद उससे बिजली ले रहे थे, लेकिन यहाँ पर ऐसा हो रहा है कि आप खुद बिजली का उत्पादन कर रहे हो सोलर से, और जो बच रही है वो मीटर के थ्रू होके आप सीधी RSEB जो ऑफिस है वहां पर जा रही बिजली। अब आप कहेंगे मेरे को क्या फायदा होगा, कि मान लीजिए आप
यहाँ पर जैसे 20 यूनिट की आज सप्लाई आपको आरएसीबी में दी है, ठीक है, और कभी आपके सोलर सिस्टम में आपको बिजली कम आए, ठीक है, और वहां पर लाइट की सुविधा भी उपलब्ध है, आप 20 यहाँ पर आप वापस ले सकते हैं, तो आपके जो मीटर में यूनिट है वो इक्वल टू रहेगा, यानी कि आपके जब यूटिलिटी में जो ग्रिड जो आरएसीबी ग्रिड यूटिलिटी है वहां पर अगर बिजली जा रही है तो आपका मीटर उल्टा चलेगा, यानी कि जहां पर आपका यूनिट पैदा कर रहा है वहां पर यूनिट माइनस में होगा, और जब आपके वापस से वो बिजली ले रहे हैं तो आपका प्लस हो जाएगा, यानी कि आप एक उधार की तरह आप उनको दे रहे हैं और वापस उनको उनसे ले रहे हैं। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ऑन ग्रिड सिस्टम क्या है। ऑन ग्रिड सिस्टम में सिर्फ आपको सोलर पैनल लगाने होंगे, सोलर पैनल के साथ आपको इन्वर्टर लगाना होगा, इन्वर्टर के सीधा आप लोड में दे दीजिए और एक वायर आपको मीटर में दे दीजिए, यानी कि इसका खर्चा बहुत ही कम आता है। इसका खर्चा मोटा मोटा मैं बता दूं अगर आपको कि एक अगर 3 केवी के लिए, यानी कि जो आपका आटा चक्की है उसके लिए, ठीक है, और 1 किलोवाट आपके जो पंखे फ्रिज जो भी आपका जो घर का लोड है उसके लिए ले लेते हैं, ठीक है, और यानी कि मोटा मोटा आपको ये कंप्लीटली आपको 4 केवी का अगर आपको यहाँ पर सोलर सिस्टम लगाना है, ऑन ग्रिड की बात कर रहा हूं मैं जहां पर बिजली आ रही है, तो आपको ये खर्चा आता है 180 यानी अप्रोक्स 2 लाख का खर्चा यहाँ पर आता है, और ये थोड़ा सा कम ज्यादा भी हो सकता है क्योंकि ये मैं होलसेल रेट बता रहा हूँ, डीलर्स की रेट बता रहा हूँ, जहां पर आप कंपनी से अगर डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करते हैं तो आपको 2 लाख के खर्चे में 4 किलोवाट का। तो अगर फ्रेंड्स अगर आप अब ऑफग्रिड सिस्टम लगाना है आपको सोलर सिस्टम, तो अब आपको जरूरत कब पड़ेगी ऑफग्रिड सिस्टम की, तो ऑफग्रिड सिस्टम तब लगेगा आपके यहाँ पर बिल्कुल बिजली पहले से आपको नहीं मिल रही वहां पर, यानी कि आरएसीबी ग्रिड यूटिलिटी का जो बिजली का जो सर्विस है वो वहां पर आपको नहीं है, जो खंभे से बिजली आ रही वो, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा ऑफग्रिड सिस्टम लगाना पड़ेगा। ऑफग्रिड सिस्टम में थोड़ा सा खर्चा बढ़ जाता है, कैसे आप देखिए जो ऑनग्रिड सिस्टम है उसमें सीधा आपने सोलर पैनल लगाए, सोलर पैनल से सीधा आपको इन्वर्टर, इन्वर्टर से सीधा आपको मीटर और लोड, ठीक है, आटा चक्की में ज्वाइन कर दिया। लेकिन यहां पर ऐसा होता है कि अगर आप ऑफग्रिड सिस्टम यूज करते हैं तो आपको यहां पर बैटरी लगानी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि आप अगर मान लीजिए भाई सूर्य तो दिन में ही रहता है, दिन में रहता है तो दिन में ही ज्यादा चार्ज होगा बैटरी, ठीक है, जो आपका जो सोलर है उससे जो सीधा अगर ऑनलाइन अगर मैं यहाँ पर आटा चक्की या लोड कोई भी लूंगा तो 4 से 5 घंटा मेरे को यहाँ पर बिजली मिलेगी, लेकिन आप रात को कैसे चलाऊंगा मैं, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको बैटरी लगानी पड़ेगी यहाँ पर, तो यहाँ पर बैटरी का खर्चा थोड़ा सा ज्यादा बढ़ जाता है। तो बस यहाँ पर क्या करना होगा आपको, सीधा आपको सोलर पैनल, सोलर पैनल से सीधा इन्वर्टर, इन्वर्टर से सीधा आपको मीटर में नहीं जाना है, और यहाँ पर आपको बैटरी लगा देनी होगी। अब बैटरी कौन सी अच्छी है भैया, तो मेरे हिसाब से तो मैंने जो लगा रखी है उसके हिसाब से तो ल्यूमिनस की बैटरी अच्छी है, तो उसका भी थोड़ा बहुत खर्चा बढ़ जाता है। ये खर्चा मैं ये इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि सबके यहाँ पर खर्चा अलग अलग होता है, यहाँ पर अगर मैं उदयपुर की बात करूँ तो थोड़ा कम है, तो अगर आप उड़ीसा है, जम्मू कश्मीर है, तमिलनाडु है, अलग अलग राज्य से आपका कमेंट आता है सर मैं उड़ीसा में हूँ और आप इतना खर्चा बता रहे हो और मेरे यहाँ पर इतना खर्चा है, इसलिए मैं यहाँ पर खर्चा बैटरियों का नहीं बता रहा हूँ, बैटरियां आपके हिसाब से आप लगा सकते हैं। और ये खर्चा इसलिए बढ़ता है कि बैटरियों की उम्र जो एज होती है वो ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 साल होती है, वो 2 से 3 साल में आपको इसको वापस से चेंज करना पड़ता है, इसलिए ये खर्चा बढ़ जाता है। इसलिए आपको सीधा क्या करना होता है, यानी कि जो बैटरी है बैटरी में लोड इकट्ठा होता है, यानी कि बैटरी चार्ज होता है, और इसलिए मैं कहता हूं आपको कि जहां पर 2237 वोल्टेज यहां पर यानी कि आपको वाट का जो आप लगा रहे हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा ज्यादा लगाना पड़ेगा, यानी कि बैटरी को जो सोलर से आपको ऊर्जा देने के लिए चार्ज करने के लिए आपको ज्यादा लगाना पड़ेगा, तो यहां पर आपको 4 की जगह 5 केवी का आपको सोलर सिस्टम लगाना पड़ेगा, सोलर पैनल लगाना पड़ेगा, ठीक है, तो यहां पर खर्चा बढ़ जाता है। जहां पर 1,80,000 है तो एक अप्रोक्स यानी कि मोटा मोटा आपको 2 से यानी कि 3 से 3.5 लाख तक का खर्चा होगा यहां पर, और हर 2 साल में आपको बैटरी चेंज करनी पड़ती है क्योंकि बैटरी की एज इतनी लंबी नहीं होती है। तो आई होप आपको ये सारी चीजें समझ में आ गई होगी कि आपको बैटरी कौन सी लगानी है, ठीक है, सोलर पैनल कितने लगाने हैं, ठीक है, और कितने वॉट का, कितना हॉर्स पावर, सब कुछ आपको गोलमाल जो चल रहा है वो सब कुछ आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा। तो आई होप
आपको बिल्कुल समझ में आ गया हो, अगर इस वीडियो में कुछ भी पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाइए। 2019 का कार्यक्रम बहुत लंबा है, अभी छोटा नहीं है, बहुत लंबा है, अभी तो शुरुआत हुई है इस कार्यक्रम की। बहुत सारी जानकारी मैं लेके आऊंगा, इसलिए इस वीडियो को लाइक कीजिए और हमारा साथ दीजिए। और साथ में आप अगर हमारे चैनल पर नए मेहमान है तो इस को सब्सक्राइब करिए चैनल को, और साथ में ही घंटी का निशान आ रहा है उसे दबाइए, क्योंकि आप ऐसे ही वीडियो सबसे पहले देख सके और सबसे पहले फायदा आप उठा सके। तो कर दीजिए लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, साथ में दबा दीजिए घंटी। और चलिए करते हैं बाय बाय और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय भारत, जय राजस्थान। आपका दोस्त गमेर उदयपुर राजस्थान से।